चुप रहो। मैं 6 साल बाद अपने भाई की लाश ढूंढने के लिए बेवकूफ पुलिस का इंतजार नहीं करूंगी। क्या तुम पागल हो? मास्क मैन ने मुझे मीटिंग के लिए बुलाया है। और तुमने क्रिस के साथ क्या किया? मैं तुम्हें मार डालूंगी। नामुमकिन। ये एक सपना था। अच्छा हुआ मैं जाग गई। गुड डे ईवा, क्रेजी घर पुलिस आ गई। तुम्हें पूछताछ के लिए आना होगा। हेलो हेलो जैक, क्या हुआ? तुम्हें पूछताछ के लिए क्यों बुलाया गया है? वो टीना, वो गायब हो गई है इसीलिए। क्या? हटो, नहीं हो सकता। पुलिस तुमसे आके चाहती क्या थी? टीना से आखिरी बार मिलने वाला मैं ही था, तो फिर मैं एक प्राइम सस्पेक्ट हो गया। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? हट जाओ यहाँ से यार, मुझे अकेला छोड़ दो तुम दोनों, समझ गई? दफा हो जाओ यहाँ से। जैक और टीना में एक दिन पहले ही झगड़ा हुआ था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जैक, जैक, तुम कैसे हो? जिसकी गर्लफ्रेंड खो जाती है बिल्कुल वैसा ही हूँ मैं। पुलिस को क्रिस के घर से टीना की फाइल मिली है, और उनका कहना है कि वो जो साइको है, वो और ये चीजें कनेक्टेड है किसी तरीके से। क्रिस, लेकिन उसका इसे क्या लेना देना? और फाइल का क्या? वो उन्होंने फाइल को सीज कर दिया। ईवा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। ठीक है, मुझे जाना होगा। जैक पक्का कुछ छिपा रहा है, मुझे इस पर नजर रखनी होगी। ये कौन है? हाय सिस, मैं हूँ टायलर। क्या बहन? हाँ माँ, ये बताओ तो कौन है? ये है तुम्हारा खोया हुआ बड़ा भाई। माँ, क्या आप बताओगी कि ये क्या ड्रामा है? देखो, मैं तुम्हें बताना नहीं चाहती थी, लेकिन तुमसे पहले मैंने एक बच्चे को जन्म दिया था और उसे अडॉप्शन में दे दिया था। क्या? माँ, अगर ये मजाक है तो ये बहुत ज्यादा बुरा है। ये उस समय बहुत जरूरी था, क्योंकि मेरे पास उसे खिलाने के लिए कुछ भी नहीं था। और बाद में मैं उसे ढूंढ नहीं पाई। माँ, सब ठीक है, मैं वापस आ गया हूँ ना, चुप हो जाओ। मैं क्या सोच रही हूँ कि अब हम जब जश्न मना ही रहे हैं, तुम्हें केक बनाऊंगी। तुम मजाक कर रहे हो? तुम साबित करोगे कि तुम मेरे भाई हो? एक सेकंड रुको, ये लो देखो। ये तो सच में मेरा भाई है। इसका बर्थडे तो सर्दियों में है। इसे चेक करती हूँ। हे टायलर, मैं देख रही हूँ कि तुम्हारा जन्मदिन गर्मियों में है। हाँ हाँ हाँ, जल्दी आने वाला है, तो मैं सोच रहा हूँ कि हम पूल पार्टी करेंगे। तुम्हारा जन्मदिन सर्दियों में है। और तुमने मान भी लिया, मैं तो मजाक कर रहा था पागल। हे माँ, मैं आपसे प्यार करता हूँ। अरे माँ तो बहुत खुश है। इन डॉक्यूमेंट्स की परवाह किसे है? आखिरकार मुझे एक भाई मिल गया। इसे यही छोड़ो। ये अनएक्सपेक्टेड है, लेकिन मुझे खुशी है। तो टीना अपने रूम से गायब हो गई अचानक। क्रिस और टीना का किडनैपर क्या एक ही है, क्या क्रिस ही किडनैपर है? कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम मेरी बात सुन भी रहे हो कि नहीं? भाई, तू जो बोला सही बोला। आखिर क्रिस के उन डॉक्यूमेंट्स में था क्या, और टीना क्या पढ़ रही थी जब वो गायब हो गई? रहस्यमयी। बिल्कुल, टीना को उस फाइल में कोई सबूत मिल गया था, और वो किसी को पता ना चले इसलिए उसे किडनैप कर लिया गया। क्या बात है, मुझे उस फाइल को ढूंढना होगा जो टीना पढ़ रही थी, उसमें क्रिस के बारे में सबूत होगा। शुक्रिया मेरे दोस्त। रुक, मुझे कुछ पूछना तेरे से। तू इतनी देर से ज्ञान क्यों पेल रहा है बे? मैं तो सिर्फ यहाँ सोने आया था, थोड़ा बहुत खाने आया था। और ये तू पूरा खाएगा कि नहीं? तू ही खा ले। ये हुई ना बात।
वाओ, तुम क्या सोचते हो, क्या मैं सुंदर हूँ? लाजवाब, पर ग्रेजुएशन के लिए सही नहीं है। लो इसे पहनो। अब तुम और भी अच्छी लग रही हो। अरे वाह, तुम फैशन समझते हो। मुझे नहीं पता था कि मेरा भाई इतना फैशनेबल है। मुझे खुशी है कि तुम आ गए। रुको एक मिनट दो मुझे, मैं इससे भी अच्छी ड्रेस ढूंढूंगा। अरे मुझे माफ करना। ईवा, हेलो। हेलो, तुम्हारे पास क्या है? ये तो कुछ भी नहीं है। तुम बताओ, तुम भला इस स्टोर में क्या करने के लिए आए हो यहाँ पर? हाँ, मुझे इस पे दिलचस्पी है कि तुम किसकी तैयारी कर रहे हो जैक। ओ, तुम मुझ पे इतना दबाव क्यों डाल रही हो भला? हाँ देखो, तुम्हारी तरह मैं भी ग्रेजुएशन की तैयारी कर रहा हूँ। ये देखो, ये वाला। ईवा देखो, हम जा रहे हैं। अच्छा वो चली गई यहाँ से ईवा। अचानक ईवा को मुझमें इतनी दिलचस्पी कैसे हो गई? मैंने इस पुलिस स्टेशन के मैप को बिगाड़ दिया। आज मुझे कैसे भी वहां पर पहुंच के क्रिस की फाइल निकलवानी होगी। अब मुझे खास ध्यान रखना होगा कि कहीं मैं अलार्म को ना बजा दूं। चलो नाम से ढूंढते हैं पहले। क्रिस, 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 मिल गए। बेवकूफ पुलिस वाले इसको छुपाना ही भूल गए। चलो देखते हैं कि टीना को इसमें आखिर मिला क्या था, और क्रिस का क्या मामला चल रहा है? क्या सच में क्रिस बेकसूर है? तुमने गलत चीज में अपनी टांग अड़ा दी है बच्चे। मेरे को तो लगता है टीना को तूने किडनैप किया साले। नहीं छोड़ दे मुझे, छोड़ तेरी बहन की। मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा सैक। गधे के बच्चे सबूत छोड़ दिए? अबे क्या गुंडा बनेगा रे तू। देखो तो ये वॉलेट है किसका आखिर? ये साले साइको की तो कुंडली आ गई मेरे पास। अब मैं उसे जल्दी ढूंढ लूंगा साले को। लगता है कोई आ रहा है, भागो। अरे बाप रे, मैंने साइको से लड़ाई की और उससे बचकर भी बाहर आ गया। मुझे अभी के अभी ये सब कुछ ईवा को बताना होगा, तभी उसे पता चलेगा कि मैं बेकसूर हूँ। हेलो ईवा। जैक मैं चल रही हूँ। मुझ पर एक साइको ने हमला किया और मैंने उससे लड़ाई भी की। किसी साइको ने तुम पर हमला किया? तुमने उससे लड़ाई की? तुम मजाक कर रहे हो। मजाक होता। ईवा जवाब तो दो, क्या हो गया? ईवा तुम कहाँ जा रही हो, क्या हुआ? गुड डे मिस्टर नेट, आप कैसे हैं? मिस एलिस कैसी हैं? हेलो ईवा, टीना के बारे में पूछने का शुक्रिया, हमें उसकी सच में बहुत याद आती है। आपको ये चोट कहाँ से लगी, क्या कुछ हुआ? ईवा इनको परेशान मत करो, ये पहले से ही दुखी हैं। उसकी चिंता मत करो, मैं बस सीढ़ी से गिर गया था। हर बा, क्या आपको सपोर्ट की जरूरत है? क्या आप इस बारे में बात करना चाहते हो? अरे तुमने अभी कहा परेशान मत करो। मुझे बहुत दुख है मिस्टर नेट, उम्मीद है कि टीना जल्द वापस आ जाएगी। ये सब बहुत अजीब है, जैक ने साइको से लड़ाई की और मिस्टर नेट को चोट लग गई। तुम क्या कह रही हो? कोई बात नहीं, मुझे मिस्टर नेट पर यकीन है, लेकिन बेहतर होगा मैं पड़ोसी से पूछूं। ओ छोटी बच्ची, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। मेरा? आओ मैं तुम्हें मांसाहारी पौधों का कलेक्शन दिखाती हूँ। सॉरी, मैं बहुत जल्दी में हूँ। मेरे पास आपके लिए क्वेश्चन है, क्या आप अपने पड़ोसी नेट को जानती हैं? ओह नेट, उनका एक बढ़िया परिवार है। मुझे उनकी बेटी के लिए दुख है। देखो हाँ, ये बहुत ही अफसोस की बात है। क्या आपने उन्हें आज गिरते हुए देखा या कुछ और? ओ नहीं, मैंने नहीं देखा, लेकिन मैंने सुना है। मुझे इसके बारे में बताओ। खुशी से, मैं इटालियन माफिया के मामले में अपनी फेवरेट सीरीज देख रही थी। इतने हैंडसम एक्टर्स और वो सब एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। तो फिर मैं किस बारे में? और जब डियोवानी ने अपने दुश्मनों को गोली मारी, तभी मैंने सड़क पे एक एक्सीडेंट सुना और मैं वहाँ भागी। वहाँ पर मिस्टर नेट जमीन पर पड़े हुए थे, वो छत पर पेंटिंग कर रहे थे और सीढ़ियों से गिर गए। बहुत बुरा हुआ।
ठीक है, तो इसका मतलब कि आपने उन्हें गिरते हुए नहीं देखा। मुझे खुशी है मैंने उन्हें ऐसे नहीं देखा। मेरे लिए इतना ही बहुत था कि वो दर्द से चिल्ला रहे थे और उन्हें चोट लगी थी। और उससे पहले उनको कोई चोट नहीं लगी थी? बेशक नहीं लगी थी। तुम हमेशा बेवकूफी वाले क्वेश्चन क्यों पूछती हो? लगता है मैं आप समझ गई। शुक्रिया। रुको, मेरे पौधों का क्या? हाँ फिर कभी। ऑल द बेस्ट। मैं मिस्टर नेट की चोट पर इतना क्यों परेशान हो रही हूँ? बेचारे सीढ़ियों से भी गिर गए, लेकिन पता नहीं क्या हुआ है, कौन जाने। मैं तो घर जाऊंगी। हाँ तो तुमने मुझे क्यों बुलाया? बैठ जाओ, एक दिक्कत आ गई है। जल्दी बताओ, टाइम नहीं है मेरे पास। मुझे लगता है तुम्हें इसमें दिलचस्पी होगी। मुझे नहीं समझ आता कि सेंटियागो मेरे लिए कैसे दिलचस्प होगा। मेरी बात तो सुनो, वो ब्लैक वाला जो साइको था ना, उसने मुझ पर अटैक किया। तो क्या? जरा सोचो कि क्रिस के गायब होने के पोस्टर शहर में किसने लगवाए हैं, जरा सोचो। ठीक है, और बताओ। देखो, मुझे लगता है कि टीना और क्रिस को उस काले मास्क वाले साइको ने किडनैप किया है। हाँ देख रही हूँ, कोई सबूत नहीं है तुम्हारे पास। रुको यार, पूरी बात तो सुनो। और काले मास्क वाले ने भागते भागते अपना बटवा वहीं पर गिरा दिया। जो तुम चाहते हो बोल लो, लेकिन ये पकाऊ है। अरे मैं बोलना चाह रहा था कि तुम्हारे पापा इसमें हमारी मदद तो कर ही सकते हैं ना। देखो प्लीज उनसे एक बार मदद तो मांगो। तुम मेरे पापा के कनेक्शंस का फायदा उठाना चाहते हो, मेरा क्या फायदा इसमें? अबे तेरा भाई मिल जाएगा गधी, इससे बड़ा फायदा क्या चाहिए? और तो और मेरी टीना भी मिल जाएगी, समझ रही है कि नहीं? ओके, जीत गए। तो हमें जब कुछ मिलेगा तो बता दूंगी, ठीक है? ठीक है, कोई बात नहीं, तुम्हारा शुक्रिया एरियल। किसी बकवास के बारे में ना सोचना और सिर्फ ग्रेजुएशन की तैयारी करना ही अच्छा है। अफसोस की बात है, टीना लापता है और अनीता हॉस्पिटल में है। कम से कम तुम छुट्टियों से वापस आ गई और अब हमारे साथ हो। हाँ, क्या ये रंग मुझ पे सूट करता है? तुम पर सब सूट करता है। मुझे अब सच में यकीन नहीं हो रहा है कि हमारा स्कूल अब खत्म होने वाला है। है ना? ये क्या था? रुको मैं चेक करती हूँ। टाइलर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो मैं बस कुछ भी तो नहीं कर रहा। वैसे तुम वहाँ क्या ढूंढ रहे हो और यहाँ पर इतनी गड़बड़ क्यों है? मैं वो अच्छा सुनो, ये सीक्रेट है, तुम मम्मी को तो नहीं बताओगी ना? क्या तुम पागल हो? तुम क्या कर रहे हो ये? ज्यादा कुछ नहीं, उन्होंने मुझे सजा दी थी, उन्होंने मेरा फोन छुपा दिया, उसे को ढूंढ रहा था, तुम समझो ना। मुझे एक लड़की को मैसेज करना है, तुम मम्मी को तो नहीं बताओगी ना? मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे उन्हें इस बारे में क्यों नहीं बताना चाहिए? मैं तुम्हारा भाई हूँ और तुम मेरी बहन हो, और भाई बहन में इतने सीक्रेट्स तो होने चाहिए, क्यों, है ना? प्लीज, मैंने भी तो हमेशा मम्मी के सामने तुम्हें बचाया है। ठीक है, मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन लगता है वो झूठ बोल रहा है। बताओ एरियल, क्या हाथ लगा तुम्हारे? खुद देख लो और शुक्रिया कहना मत भूलना तुम। तुम्हारा शुक्रिया? बस इतना, शुक्रिया। तो तुम क्या चाहती हो, मैं तुम्हारे पैरों में गिरकर शुक्रिया कहूँ? कम से कम यहाँ तुम्हारा सेंटियागो है, देखो। अच्छा, तो वो वांटेड है, वाह। हाँ, एक कॉनमैन, उसने लोगों को बेवकूफ बनाया और गायब हो गया। लेकिन अभी इस फाइल में साइको के बारे में मुझे कुछ मिला नहीं। ओ बेवकूफ, अगर एक इंसान ने क्राइम किया है तो वो दूसरा भी करेगा, और भी बुरा शायद। ठीक है, इतना सबूत काफी होगा एरियल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया महारानी साहिबा। तो मुझे ग्रेजुएशन के टाइम में यही बोलना है जब मैं ताज पहनूंगी। हाँ, अरे हाँ, ग्रेजुएशन होने वाला है और मैं अकेला हूँ, मुझे पता नहीं मैं किसके साथ जाऊंगा, टीना नहीं है तो। तुम किसके साथ जा रही हो? पक्का तुम्हारे साथ नहीं यार, सॉक। मैं क्रेजी घर के एक्ट्रेस में से किसी को पैसे दूंगी, वो सभी क्रश है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। देखो एरियल, मैं ऐसा कुछ चाहता नहीं था। बाय बाय एरियल, मुझे जल्द से जल्द ये ईवा को दिखाना होगा। ईवा, मुझे एक जरूरी बात पता चली है। अबे तू साले, जैक क्या बात है? उठ जा साले कदे, मैंने तुझे इतनी जोर से मारा ही नहीं था, तुझे तो एक चोट भी नहीं आई है। मुझे जाने दे पागल कहीं का, क्या कर रहा है तू? जैक, जैक शांत हो जा, बंद कर ये सब।
ये सब क्या है? बताओ मेरे बेटे पर तुमने हमला क्यों किया? बेटा, अरे ये साला फ्रॉड है, देख लो इसका सबूत है इसमें। ये देखो इसका पासपोर्ट है मेरे पास यहाँ पर। क्यों सेंटियागो? हाँ चल सबको बता के तू कौन है। ये सब बकवास है, ये देख मैं टायलर हूँ समझा, जो तू लाया है वो नकली है। तू खुद ही नकली है। यकीन नहीं हो रहा टायलर, ये सब क्या है? मम्मी इसकी बात मत सुनो, ये मुझे फंसाना चाहता है। अबे तू साले जेल में चल, क्रिमिनल कहीं के तेरी भैंस की, चल चल साले तुझे तो जेल में डालूंगा मैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने जाली डॉक्यूमेंट बनाया और मेरे बेटे को किसी क्राइम में फंसाने की कोशिश की। अरे कुछ भी जाली नहीं है, ये साला सच में क्रिमिनल है। सभी लोग शांत हो जाओ। जैक तुम्हें ये कहां से मिला? कल लड़ाई करते वक्त साइको ने इसे गिरा दिया था, फिर हम लोग इसके ओनर के पास गए, पता चला कि वो क्रिमिनल है। और तुम्हारा भाई ये गधा भी क्रिमिनल है, इसने भी कुछ कांड किया है सैंटियागो में। ये अजीब है, किसने मेरी फोटो चिपका दी उस पे बेवकूफ। माँ ये लोग मुझे फंसाना चाहते हैं, मैं यहाँ अभी अभी आया हूँ ना, तो इसलिए ये सारे ब्लेम मुझ पे डाल रहे हैं। तुम शांत हो जाओ बेटा, कोई भी तुम पर कोई आरोप नहीं लगा रहा है। ठीक है, लगता है कि ये सिर्फ गलतफहमी है। देखो जैक पर नाराज मत हो, हम थोड़ा समझ सकते हैं, उसकी गर्लफ्रेंड लापता है। ठीक है, तुम्हें माफ कर दिया। अगर तो दोबारा दिखा तो मैं तेरी बैंड बजा दूंगा। अबे चल, हमें शायद जाना चाहिए क्योंकि सभी को शांत होने की जरूरत है। जैक क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि ये उस साइको के ही डॉक्यूमेंट्स हैं? शायद उसने मेरे भाई को जानबूझकर फंसाने के लिए फेंके हो। अभी तो मैं कुछ भी नहीं बोल सकता, लेकिन ईवा तुम्हारा ये भाई लगता बड़ा टोपीबाज है। हाँ, मैंने उसे हमारे घर में कुछ ढूंढते हुए देखा, उसने कहा कि वो उसका फोन था। अरे बाप रे, और तुम अभी तक चुप बैठी हो यहाँ पर? अब से वो हमारा प्राइम सस्पेक्ट हो गया है। अरे ये तो बहुत सुंदर है, तुम इसे प्रॉम पर पहनने वाली हो क्या? शायद हाँ। बहुत बुरा है कि मैंने अपने लिए अभी पार्टनर नहीं चुना, मैं इसके लिए भी तैयार नहीं। वैसे ईवा देखो मैं भी अकेला ही जा रहा हूँ, तो क्या तुम मेरे साथ चलना पसंद करोगी? अरे ईवा लाओ, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ, आ जाओ। हाँ दोस्तों सही है, लगता है ब्लैक मास प्रॉम में होगा। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमें हर किसी पर नजर रखनी होगी, शायद हम आज शाम को उसे पकड़ पाए। सही कह रही हो तो। वो मुझे जरूरी काम याद आ गया, हम प्रॉम पे मिलेंगे ठीक है? मैं इंतजार करूंगी। मैं तुम्हें देखती रहूंगी। जैक कभी कभी दोस्त वैसे नहीं होते जैसे कि वो दिखते हैं। तू यहाँ क्यों आया? अबे तुझे क्या हो रहा है बे? मैं तेरी बहन को लेने आया हूँ। अरे बच्चों झगड़ते नहीं, शांत हो जाओ। इस बार पक्का, अगर तू फिर से मेरे सामने आया तो मैं तेरी सच में बैंड बजा दूंगा। अबे तेरा बहुत हो रहा है, मैं भी तेरी बजा दूंगा, मैं छोड़ दूंगा क्या? सर अरे बाप रे, क्या बवाल लग रही है ईवा। मेरी बेटी कितनी प्यारी लग रही है। क्या हम चले? ठीक है चलो चले ईवा, आज तो तुम कमाल लग रही हो। मैंने सोचा था तुम अपने भाई के साथ जाओगी। सॉरी लेकिन तुम ग्रेजुएट नहीं हो रहे, लेकिन मैं तुम्हारा प्रॉम पर इंतजार करूंगी। हाँ जैक सच में मुझे गुस्सा दिला रहा है, चलता हूँ। जाओ और जाके मजे करो। क्या ईवा जेड के साथ आई? और ईवा का भाई तो कमाल है। मैं अपनी फ्रेंड से बात करूंगी। ठीक है फिर, मैं भी एक जरूरी काम निपटा के आता हूँ। मैं अभी भी तुम्हें देख रही हूँ जैक। ये ले थोड़े पैग वैग मार, अच्छा लगेगा ठीक है। हेलो मिस्टर जैक, धमाल मचाने के लिए तैयार हो? ठीक है मिस्टर हैरी, लेकिन आप आज रात किसके साथ बवाल मचाओगे? क्या मिस्टर नेट यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ईवा चलो चलकर उनसे बात करके आते हैं। चलो पूछते हैं कि वो यहाँ क्या कर रहे हैं।
गुड डे मिस्टर नेट, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? टीना तो अपनी ग्रेजुएशन में नहीं आ पाई, लेकिन कम से कम मैंने सोचा मैं ही उसकी जगह आ जाऊँ, उसकी याद पे तौर पे। चोट मिट गई? ओह मिस्टर नेट, हम आपको परेशान नहीं करेंगे। हाँ चलो। मिस्टर नेट को देखो, उन्होंने इतना डांस किया कि उनकी पैंट ही फट गई। बेहतर होता कि वो यहाँ पर नाचने के लिए लुंगी पहन कर आते। ईवा, चलो डांस करें क्या? हाँ बिल्कुल। जैक, क्या मैं तुम पर भरोसा कर सकती हूँ? हाँ बिल्कुल, और क्या मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ? कर सकते हो। प्रॉम क्वीन को अनाउंस करने का टाइम आ गया है। हाँ हाँ मैं यहाँ हूँ। तो आज की जो प्रॉम क्वीन है उसका नाम है एरियल। लगता है सर को मोटा माल मिला है। एरियल बधाई हो। हाँ शुक्रिया। हाँ तुम लोग तारीफ करो मेरी। ओह बेवकूफ लड़की। हाँ क्या? अलार्म बंद करो, मैं स्पीच देने वाली हूँ अभी। हाँ बंद करो। आग लग गई। आग, 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 कहाँ जा रहे हो तुम लोग? ब्लैक माउस की तरफ से मैं हेलो बोलता हूँ। ये आवाज किसकी है? ईवा, मुझे लगता है कि उस साइको का हमें यहीं पर जलाकर मारने का प्लान है। चलो एक साथ बाहर चले। रुको, टायलर कहाँ है? अरे बाप रे, या तो वही साइको है या साइको ने उसे किडनैप किया है। चलो देखते हैं। सभी लोग बाहर भागो। मैंने ये सपने में देखा था। चलो चलकर सच्चाई का पता लगाते हैं। आ जाओ चलो। अबे स्कूल में आग लगाएगा। पिछवाड़े में आग लगाओ। स्कूल में आग क्यों लगाई? तुम सच में कौन हो? अबे होती छोड़, मैंने आग नहीं लगाई समझा? तो क्या तेरे भूत ने लगाई? भूतनी के सेंटियागो, सेंटियागो डेविस। हाँ अब ये शाना बन रहा है। अबे ब्लैक मास्क तू ही है ना? कौन सा ब्लैक मास्क? मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो। और तुमने मेरे भाई होने का नाटक क्यों किया? हाँ मुझे डॉक्यूमेंट्स मिले और मैं तुम लोगों को लूटना चाहता था, पर मैं पागल नहीं हूँ जो आग लगाऊंगा। ये क्लियर है ये ब्लैक मास्क नहीं है। मैं कहाँ हूँ? क्या ये टीना का घर है? ब्लैक मास्क? मिस्टर नेट, मैंने तुरंत तुम्हें कैसे नहीं पहचाना? हाँ वो मैं ही था। मुझे मत मारो। तुम चिल्लाना बंद करोगी? मुझे एक इम्पोर्टेंट कॉल करनी है और ये बहुत जरूरी है। हेलो। हाय डैडी, इस पूरी पागलपन भरी कहानी और मेरे गायब होने की कहानी रचने के लिए शुक्रिया। आपने मेरी मदद की और मैं अपने प्यार के साथ आइलैंड में भाग आई। टीना, क्या वही है? थोड़ा धीमे बात करो टीना, तुम्हारी दोस्त ने सब कुछ सुन लिया, उसे सब कुछ पता है। अबे धोखेबाज, क्रिस के साथ मजे कर रही है तू? जैक, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये बकवास चल रही थी यहाँ पर और तब से पता नहीं हम लोग कितने परेशान हो रहे थे। टीना वाह, तुम जिंदा हो? मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा। ये क्या, टीना तो धोखेबाज निकली। सॉरी जैक, असल में मैं गायब नहीं हुई, मुझे क्रिस से प्यार है और मैं उसके साथ घूमने के लिए भाग आई। क्या? क्या तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? हम परेशान थे। शांत हो जाओ ईवा, शांत हो जाओ। अभी दोनों की बजाता हूँ, एक मिनट। नहीं रुको, ऐसा मत करो। मुझे जानना था तुमने ये पूरी साइको कहानी क्यों रची। मेरे पास खुद का एक पर्सनल होटल है, लेकिन उसमें कोई टूरिस्ट आता ही नहीं है, तो मुझे लगा ऐसी बड़ी स्टोरी सुन के शायद कुछ लोग इसमें आना पसंद करेंगे। क्या? टूरिस्ट लोगों को हमेशा ऐसी जगह पसंद होती है जो काफी डरावनी हो, तो मैंने सोचा कि मैं भी ऐसा कुछ करूं तो शायद लोग आ जाएं।
इतना बोल के तू बचने नहीं वाला। अबे तूने स्कूल में आग लगाई है, तेरी बजाएंगे अच्छे से। स्कूल में वायरिंग में शॉर्ट सर्किट हो गया, इसमें इसकी गलती नहीं है। क्योंकि ये मिस्टीरियस कहानी बनाए रखने के लिए मैंने इंट्रोड्यूस किया उस ब्लैक मास्क को। क्रिस का क्या? उसे प्लान का पता चल गया था तो उसने बोला कि मैं उसे आइलैंड पे भेज दूं टीना के साथ में। ऐसा क्यों? उसने किसी की कार को ठोक दिया था और वो नहीं चाहता था कि पुलिस उसे पकड़े, लेकिन मेरे लिए बड़ी बात नहीं थी, क्रिस ने मुझे काफी पैसे दिए थे। बहुत बढ़िया, तू और तेरी बेटी हमें धोखा दे रहे थे। टीना क्रिस को काफी ज्यादा पसंद करती थी और वो मेरी बात मान ही नहीं रही थी, और यहाँ तक कि उसे मेरे सारे प्लान का पता चल गया था और उसने मेरे से बोला कि मैं उसे क्रिस के पास में भेज दूँ। नामुमकिन। अरे बाप रे, और तब से हम पागलों की तरह यहाँ वहाँ ढूंढ रहे थे सब कुछ। पता नहीं इन गधों को अब क्या सजा मिलेगी। मुझे नहीं पता, मैं सदमे में हूँ। और आपको टाइलर के डॉक्यूमेंट्स कहाँ से मिले? मुझे वो सड़क पर मिले थे और मैंने सोचा कि मैं उसका इस्तेमाल कर सकता हूँ ताकि तुम सभी का ध्यान मुझसे हट जाए। उम्मीद तो है कि तुम इस प्रैंक को लेके उतना गुस्से में नहीं होंगे। अबे तुझे छोड़ूंगा नहीं साले, पहले टीना की खबर लूंगा मैं उसकी। रुको, जैक मेरे साथ आओ, तुम्हारे लिए कोठरी पहले ही तैयार है। पता नहीं ये सब क्या चल रहा है, जिससे प्यार किया वो धोखेबाज निकली और वो क्रिस साला जाके टीना के साथ मजे कर रहा है, कमीना कहीं का। और हम सिर्फ प्रॉम सेलिब्रेट करना चाहते थे। ओ वैसे जो अधूरा छोड़ा है वो यहाँ पर भी कर सकते हैं। चलो ईवा। क्यों नहीं। अब हमारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। तो फिर चलो मजे करें। ईवा, मैं तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी का हर एक पल ऐसे ही बिताना चाहता हूँ। दोस्तों, आखिरकार आपने हमारे दो रिलीज एपिसोड्स देख लिए हैं। वैसे तो बहुत एपिसोड्स है, लेकिन टेक्निकली देखा जाए तो अभी के लिए दो। हाँ, कमेंट करके बताइए कि आपको ये अच्छे लगे और क्या आपको ये प्लॉट ट्विस्ट वाली स्टोरीज अच्छी लगती हैं। खैर, शूटिंग के पहले दिन से ही मुझे बहुत मजा आ रहा है और सच में मुझे बहुत पसंद आया। हाँ, सच में। अरे यार देखो, मैं एक बात तुम लोगों से सच सच बताना चाहता हूँ। देखो कि मैं यार ये सब शूट करके दो दो दिन तक एकदम थक जाता हूँ, लेकिन अगर सब्सक्राइबर्स बोलेंगे, लाइक करेंगे तो फिर मैं 300 के लिए। हाँ, 300 के 348 एपिसोड शूट करेंगे। मैं एक सीरीज में लीड रोल करना चाहूंगी। क्या सच में? पूरे के पूरे 300 एपिसोड के लिए? अरे यार कर लेंगे, उसको भी मौका मुझे पता है, क्योंकि किसी थानेदार के डायलॉग जो रहे थे मैं उसे अच्छे से जानता हूँ। फिल्मों की बहुत बड़ी बोकी है। अरे जोक नहीं था यार, मजाक कर रही है सच में। मैं सच में बहुत चाहती हूँ, मैं मेन रोल में रहना चाहती हूँ। सब्सक्राइबर्स इसका फैसला करेंगे। तो दोस्तों बताओ कि क्या एलिस को लीड रोल करना चाहिए और एलिस के बारे में अच्छे अच्छे कमेंट करो यार। बिल्कुल लिखो एलिस के बारे में। टोपी गिर गई तुम्हारी, कुछ और गिरता तो अच्छा होता, जैसे कि इसके बुढ़िया वाले बाल। ओ, हिंदी में तो क्रेजी घर में। हाँ, यहाँ तक कि एलिस के पास खुद का एक टाइलर भी होगा। हाँ, ये बिल्कुल वैसा ही है। हमारे पास क्वीन भी है, वैसे कौन क्वीन बनना चाहेगी? और हमारे पास प्रिंसेस भी है। पिछले एपिसोड में होता रही होगी। सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन टीना आखिरकार है कहाँ? रैच, क्या तुम्हें पता है टीना कहाँ है? वेल हाँ, और मेरे पास उसका सरप्राइज वीडियो भी है। चलो दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ पर। चलो दिखा ये। हेलो सब लोग, मैं अचानक गायब हो गई, लेकिन असल में मैं छुट्टियों पर हूँ। मैं अब घूम रही हूँ, ताजी हवा में सांस ले रही हूँ। मौसम बहुत खूबसूरत है, मुझे वाकई ये बहुत पसंद है, और मुझे मिस मत करना, मैं जल्द ही वापस आऊंगी। लेकिन ये वीडियो तुम्हें क्यों भेजे? हमें क्यों नहीं भेजे बताओ तो? अरे ये तो अंदर की बात है, ऐसे कैसे बता दो? तुम्हें सीक्रेट है हमारा। तुम ज्यादा चिंता मत करो। ये सब छुपा क्यों रहे हो? ये सारी बातें इतनी जल्दी नहीं बताते, जो होता है दिख जाएगा। सब्सक्राइबर्स देख लेंगे, उन्हें बता दूंगा मैं, ठीक है? तो फिर चलो क्रेजी घर पे टीना को हाय बोलो। हाय शानदार छुट्टियों को विश करते हैं, ताकि तुम तरोताजा हो जाओ और सब कुछ बढ़िया रहे, और हमें याद करना ना भूलें। और अब दोस्तों हमारा व्लॉग अब एंड हो चुका है, टीना से बात कर लिया। आप लोग टीना को विश कर दो, टीना को कितना मिस कर रहे हो बताओ। मैं तो कर रहा हूँ। और अभी हम बढ़ेंगे हमारे आखिरी पार्ट के ऊपर, जो है आपका फेवरेट। क्या अब हम आगे बढ़ते हैं? तुमने अपनी लंबी नाक गलत जगह पे घुसा दी है।
वैसे तुमने जाली डॉक्यूमेंट बनाया और किसी क्राइम में मेरे बेटे को फंसाने की कोशिश की। नहीं नहीं नहीं, मैं ये गलत बोल रही हूँ। बस फंसाया गया, बस फंसाया गया। अरे संभल जाओ खुद तो पहले, फिर फंसाना। वैसे मैं असल में गिर गया हूँ और पिछवाड़े पे लगी भी बहुत है। तो क्या तुम मेरी इच्छा पूरी करोगी एरियल? तुम्हारे पास तो बताओ एरियल, माल लाई होगी नहीं? अरे जैक पर नाराज मत हो। वैसे अरे सोचा बोचा कुछ नहीं, डायरेक्ट बोलो तो मैं बोलूंगा ना। अरे बाप रे, बच गया। ये टूट जाता तो प्रोड्यूसर भगा देता हमें। अबे गलत बोल रहा है भाई, उठ जा। तुमने क्यों फिर से कोशिश की थी? अबे बच्चों की तरह मत रो।